जय जेसु। प्रभु येसु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा की 105वें दिन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। जोशुआ के 22 और 23 अध्याय हम पढ़े हैं, साथ में स्तोत्र संज्ञा 63 और प्रेरित चरित्र के अध्याय 16। 22वें अध्याय में हम पूर्वी वंशों का स्वदेश लौटने की घटना पढ़ते हैं। इसकी पृष्ठभूमि हम जानते हैं, पूर्वी वंश रूबेन, गाद और आधे मनासे के वंश, जिनको यर्दन नदी के पूर्व में दाएं भाग इनहेरिटेंस मिल चुका था पहले, लेकिन एक शर्त पे मिला था, अपनी पत्नी संतान और पशुधन को से छोड़ के वहीं छोड़ के शस्त्र लिए, हथियार लिए इसराइलियों के, यानी उनके अन्य भाई वंशजों के आगे आगे चलना, जब तक उन सबों को जमीन नहीं मिलेंगे, शत्रुओं को हम कनान देश से बाहर, प्रतिज्ञात देश से बाहर नहीं करेंगे, तब तक इनको साथ रहना होगा। ईमानदारी से पिछले 5 साल से, कुछ 5 साल जैसा लगा, ईमानदारी से वे लोग आगे आगे चल रहे थे। अब सभी इसराइलियों को दाएं भाग मिल गया, भले ही शत्रुओं को पूरा खदेड़ नहीं पाए हैं, फिर भी सबों को कुछ आराम तो है, बैठने का जगह तो मिल गया, और लेवियों को भी जमीन बैठने का शहर सब दे दिया, और शरण नगर की व्यवस्था हो गई, जोशुआ भी बैठ के उनको भी नगर दिया। सब कुछ होने के बाद अब अपना मिशन पूरा करके लौट रहे हैं ये पूर्वी वंश। देखिए, इतने साल संग रहने के बाद, संग युद्ध में शत्रुओं के साथ लड़ने के बाद, जब प्रिय भाई लोग जब बिछुड़ रहे हैं, बहुत ही भावुक जरूर वे हुए होंगे, क्योंकि समय सोचना, इतने साल पहले की घटना है, अब की स्थिति नहीं है, आना जाना आज के जैसे उस समय नहीं हुआ होता। इनमें ज़्यादातर लोगों को शायद और एक बार इन लोग नहीं मिल पाएंगे शायद, और संचार माध्यम सूचना सब उस समय उतना नहीं होते थे, कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में जब भाई लोग अलग हो जाते हैं, बहुत दुख की बात जरूर हुई होगी। और उस समय जोशुआ जाने वाले इन भाइयों को आशीर्वाद दे रहे, उसके पहले उनको कुछ विशेष कार्य सौंप रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तीन महत्वपूर्ण कार्य बता रहे हैं। पहली बात, तुम सावधान होकर उन आदेशों और संहिता का पालन करो जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने तुम्हें दिया। पहली बात, कहना, मानना, यानी ईश्वर के वचन सुनना, वचन पढ़ना, वचन को दिल में लगाए रखना। दूसरी बात, अपने प्रभु को प्यार करना, उसके मार्ग पर चलते रहना। लव योर एनिमी, प्रभु के प्रति प्यार करने के कारण कहना मानना। अगर प्यार नहीं है, केवल कहना मानेंगे, आदेश का पालन करेंगे, वो बाद में बोझ बनेगा, इसलिए प्यार के कारण कहना मानना। तीसरी बात, उससे संयुक्त रहना, यानी जुड़े रहना, सारे हृदय सारी आत्मा से उसकी सेवा करना। तीन कार्य, इसलिए आप उसकी सेवा करना, कैसे, सर्व द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड सोल, पूरे पूरे पूरी आत्मा से, पूरे हृदय सारे हृदय से सारी आत्मा से उसकी सेवा करना। उसके बाद आशीर्वाद दिया और भेज दिया, हालेलुया। और उसके पहले उनके सेवा कार्य के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए, और इनके भाइयों के प्रति जो भाईचारा और प्रेम भाव है,
सब कुछ को स्वीकार करते हुए ही जोशुआ ये आशीर्वाद देकर भेज रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं पूर्वी वंशों द्वारा वेदी की एक स्थापना, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें सामने आ रही है। ये क्या है? देखिए, रूबेन, गाद और मनासे के आधे वंश वापस जा ही रहे थे, तब इन्होंने क्या किया, यर्दन के तट पर, यर्दन पार करने से उनको दिए हुए दाया भाग पहुँच जाएगा, उसके पहले इस तट पर, यानी बाकी वंशजों के ही जमीन पर, तट पर उन्होंने एक विशाल वेदी बनाई। इसराइलियों को यह पता चला, रूबेन, गाद और आधे मनासे के वंशियों ने कनान देश की सीमा पर यर्दन के पास जो इसराइलियों की भूमि है, एक विशाल वेदी बनाई है। जब इसराइलियों ने यह सुना, सारा इसराइली समुदाय उन पर आक्रमण करने के लिए शिलो में एकत्रित हो गया। शिलो प्रभु के निवास स्थान का जगह एकत्रित हो गया। अपने भाइयों को बड़े प्यार से भेज दिया था अभी तुरंत आक्रमण करने के लिए। कारण क्या था? वेदी बनाई। वेदी बनाना अच्छी बात है, फिर क्यों इनको लड़ना चाहिए, गुस्सा में आना चाहिए? कारण ये है। पहली बात, इसराइलियों ने सोचा, यानी बाकी वंशजों ने सोचे कि उन लोग जो वेदी बनाई शायद अन्य किसी देवी देवताओं के लिए बनाई होगी, कारण प्रभु के लिए वेदी बनाने की बात सोच नहीं सकता। कारण प्रभु का नियम था, इसराइलियों के लिए एक ही जगह में आराधना होगी, बलि एक ही जगह में चढ़ाई जाएगी। अब वो जहाँ पर मंजूषा है, जहाँ पर प्रभु का निवास स्थान जो बनाए गए हैं, उसी जगह में केवल आराधना होगी। ये नियम है, लेवी ग्रंथ अध्याय 17 वचन 8-9 में हम पढ़े हैं। तो इन लोग दूसरी वेदी बनाई, इसलिए इसराइलियों ने सोचा शायद हमारे भाई लोग जाके अन्य देवी देवताओं के लिए कुछ वेदी बनाकर रखे होंगे, इसलिए वो क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका पाप सभी लोगों पर आ जाएगा। दूसरी बात इसराइलियों ने सोचे होंगे, उन्होंने प्रभु की वेदी हमारे कनान देश में है, उन लोग उस पार रह रहे हैं, हमारे भाई लोग हैं, तो हमारे पास वेदी प्रभु के निवास स्थान है शिलो में, इसलिए उन लोग शायद इससे ईर्ष्या पाते हुए प्रभु के प्रतिद्वंद्विता, माने यहाँ पर हमारे पास प्रभु की वेदी है इसलिए उसके विरोध में दूसरा एक वेदी बनाया होगा, वहाँ पर आकर उन लोग बलि चढ़ाएंगे, आराधना करेंगे। इस तरह शिलो में, कनान देश में, इसराइलियों के बाकी वंशजों के पास, उसके बीच में जो आराधना हो रही है प्रभु की निवास स्थानी, उसके विरोध में शायद उन लोग दूसरी वेदी बनाई होगी, इसराइलियों ने सोचा, इसलिए वे क्रोधित हो गए, इनको दंड देना जरूरी है, उचित समझ रहा, और इसलिए सभी इसराइली एक साथ एकत्रित हो गए शिलो में। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर जो हो रहे हैं वो एक ऐसी बात है जिसे अक्सर हम लोग अपने जीवन में भी देख सकते हैं। वो क्या है? किसी अपने प्रिय लोगों के किसी कर्म को, किसी कार्य को, उनकी किसी फैसला को अच्छा से समझ नहीं पाना, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंड। अक्सर हमारे जीवन में, परिवार में होती है, लेकिन यहाँ पर गलत फहमी की एक कार्य हो रही है। इस समय इसराइली लोग किस तरह कार्य किया, इसे समझना बहुत अच्छा है। हालेलुया। प्रियजनों, जब भी हमें अपने किसी भी प्रियजन की किसी भी आचरण से चोट लगते हैं या अच्छा नहीं लगता है, उससे हमें दुख पहुंचते हैं, या उनके किसी भी कार्य
हमें बहुत बुरा लगता है या उससे हमें बहुत शिकायत है, तो हमें किस तरह व्यवहार करनी है हम इसराइलियों से सीख रहे हैं यहाँ पर। जब पूर्वी वंशों द्वारा वेदी की स्थापना के कारण अन्य इसराइलियों को तकलीफ हुई, सबसे पहले लड़ने के लिए वे निकल नहीं पड़े, बल्कि इन्होंने एक कार्य किए, अपने सबसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, फिनहस उसका नाम है, जो प्रभु के कार्यों में बहुत उत्साह दिखाने वाला व्यक्ति है, बाद में उनके प्रधान पुरोहित बनने वाले, अब एक पुरोहित है, और फिनहस के साथ हर एक वंश से एक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी चुनकर आगे भेज दिया। वे इन पूर्वी देश वंशों के पास जाकर अपने अंदर जो व्यथा है और इसराइलियों के मन में उनके प्रति जो शिकायत है उसको प्रस्तुत किया, साथ साथ याद दिलाई दो घटना की। पेवोर करके जगह में आराधना बाल की करने के कारण इसराइलियों के ऊपर जिस विपत्ति आई थी, हजारों लोग मारे गए थे। बाद में यरीको के आक्रमण के बीच में, यरीको के पतन के बाद, अखान करके एक व्यक्ति ने एक पाप किया था जिसके चलते किस तरह इसराइलियों को हार का सामना करना पड़ा था आई में, और इसराइली किस तरह तकलीफ में पड़ गए थे, ये दो घटनाएं उनके सामने रखे जिससे उनको एक चेतावनी दे रहे दे दिया, आप जानबूझकर किसी पाप में हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप यदि पाप करेंगे उसका असर हम लोगों पर भी पड़ेंगे, इसलिए आपको अपना राह को, रास्ते को सुधारना होगा। आपने जो कार्य किया उसके पीछे आपके मनोभाव क्या है हमको प्रकट कीजिए। इस तरह बहुत सुंदर तरीके से अपने मन की सारी बातों को प्रकट किया, तब जाके पूर्वी वंशों ने उससे भी अच्छी तरीके से अपने पूरे कार्य, अपना तर्क प्रस्तुत किया। तब हमको और उनको सब समझ में आते हैं, इन लोगों के मन में कोई भी बुरे विचार नहीं था, भले ही हजारों लाखों इसराइली लोगों ने यह सोचा था कि इन लोग पाप में हैं, इन लोग हमारे विरुद्ध कर रहे हैं, प्रभु के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब हमको समझ में आ रहे हैं उनके मन में न केवल कुछ बुराई थी बल्कि बहुत बड़ी भलाई थी, भली इच्छा मन में रखे, भविष्य में हमारे संतान और यहाँ पर रहने वाले यर्दन के इस पार रहने वाले इसराइलियों में कोई लड़ाई ना हो, कोई मतभेद ना हो, कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए वे एक स्मारक बना रहे थे। और इन्होंने कहा, हम हमारे प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कभी नहीं हैं, हम ना मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ना प्रभु के निवास स्थान जो सिलोह में है और उसके खिलाफ हम लोग नया जगह नहीं बना रहे थे, ये आराधना के लिए नहीं बना रहे थे, बल्कि एक स्मारक के रूप में हमारे बच्चों को पाप से बचाने हेतु हम एक कार्य कर रहे थे। कितनी सुंदर बात है, अब हमको समझ में आते हैं, मन में बड़े अच्छी इच्छा के साथ एक कार्य किया, उसको भी किस तरह बुराई में बदल के हम लोगों को देखने को मिला, मतलब हमारे सोच ऐसे रहे, पूरे इसराइलियों ने इस तरह सोचा कि वो सच में पाप कर रहा है, सोचा था, लेकिन वो पाप नहीं था। इसलिए वो कब सामने आया, जब पूर्ण रूप से अपनी बातें प्रकट करने के लिए चुने हुए लोगों को, जो अच्छा से समझा सकेंगे, ऐसे लोगों को चुनकर भेज दिया। हल्लेलुया। प्रियजनों, अगर ये सब सोचे बगैर जल्दी जाकर लड़ाई करते, कितने लाखों लोग मर जा कितने हजारों लोग मर जाते, अपने ही लोगों का वध करते हैं, इसराइलियों में आपसी बहुत बड़ी लड़ाई आ जाती, उससे प्रभु इनको बचाया। इसलिए हमारे लिए भी एक संदेश है, जब भी कुछ गलतफहमी होती है, गलतफहमी लग रह करके हमको हो रहे हैं करके हमको लगता है, या हमें कोई भी शिकायत होती है, सबसे पहले हमको ये सारा कार्य करना चाहिए, पहले ईश्वर की पवित्रता का ध्यान हमेशा रख कर हमें उत्साह दिखाना चाहिए कि पाप ना होने के लिए मेहनत करनी है। दूसरी बात, जब सामना करेंगे किसी की, जो जिनसे हमें कोई शिकायत है उनकी सामना करेंगे, उनके सामने हम अपना तर्क रखेंगे, अपना प्रश्न रखेंगे, प्रेम से प्रेरित होकर बोलना चाहिए।
सत्य हम बोल सकते हैं लेकिन प्रेम से प्रेरित होकर। इसलिए तो हम एफेसियों के 4:15 में कहते हैं, सुनते हैं, प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोलना, स्पीक द ट्रूथ विद द स्पिरिट ऑफ लव। हालेलुया। और तीसरी बात जो है कि लड़ना नहीं बल्कि जुड़ना ही लक्ष्य बनाना चाहिए। कुछ लोग क्या है, हमेशा लड़ने के उद्देश्य के साथ बात करते हैं, लेकिन हम लोगों के मन में लड़ना नहीं है बल्कि हमको जुड़ना है। हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए, लड़ाई नहीं बल्कि हमें मनमुटाव नहीं बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक साथ होना है, जुड़ जाना है, मेल मिलाप होना है। इसी को मन में रखकर हमको कार्य करना चाहिए। हालेलुया। दूसरी और एक बात क्या है, इसराइली लोग इनसे कहे, ये पूर्वी वंशों को क्या बताए, यदि आपको कुछ तकलीफ है, आपको दिए हुए जमीन आपको अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पर आप प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रार्थना में बाधा है, वापस आइए, हम अपना जमीन देंगे, हमको जो दाय भाग मिला उसी से हम लोग आपके लिए भी देंगे। मतलब ये मनोभाव जो है त्याग, अपने प्रिय भाइयों को पाप से बचाने हेतु हम त्याग उठाने को तैयार है। त्याग का मनोभाव बहुत ही जरूरी है यदि आपको मनमुटाव और गलत फहमी से बचे रहना हो। और इसलिए अगली बात जो है, मदद करने के लिए यदि तैयार नहीं है तो सामना करना नहीं जाना। इफ़ यू आर नॉट यू नो विलिंग टू हेल्प, डोंट गो टू कन्फ्रंट। इसलिए मदद करने की किसी भी तरीके से जाके उनका सामना करके लड़ाई और उनको धमकी दे के उनको 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 सजा देने के उद्देश्य के साथ नहीं, किसी भी तरीके से मदद करने के उद्देश्य हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए। इसलिए दूसरों की बातों को मानने के लिए दूसरों की आंखों से कार्यों को समझने के लिए एक तैयारी होनी चाहिए। टू सी द थिंग्स थ्रू देयर आइज, दूसरे लोग किस तरह एक समस्या को देखते हैं, एक प्रश्न को देखते हैं, यह सब उनकी आंखों से देखकर समझने के लिए एक सहमति और एक रेडीनेस, एक उत्साह हमारे अंदर होनी चाहिए। अंत में दूसरों की बातों जब वो सामने रखते हैं कुछ, उसको हम एक पॉजिटिव दृष्टि से देखें और उनको विश्वास करें, दूसरों की भलाई पर विश्वास, बेसिक थिंग ऐसा है, दूसरों की भलाई पर विश्वास, हमेशा बुराई नहीं देखना, दूसरों की भलाई पर विश्वास, उनकी सच्चाई पर विश्वास, उनकी सच्चाई को स्वीकार करने की एक तैयारी, ये हमेशा हमारी होनी चाहिए। तब हम कभी एक गलत फहमी के शिकार होकर एक दूसरे को नहीं मारेंगे। हालेलुया। अब हम 23वां अध्याय में योशुआ का विदाई भाषण सुनते हैं। इस अध्याय में 3 विशेष कार्यों को हम देख सकते हैं। पहला 2 उपदेश है और अंत में एक चेतावनी है। 2 एक्सोटेशन एंड 1 वार्निंग। पहला प्रबोधन, पहला उपदेश क्या है? ईश्वर जिस तरह इसराइलियों के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करता रहा, इनकी याद दिलाते हुए कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे कल्याण के लिए इन सब राष्ट्रों के साथ जो कुछ भी किया, तुमने वह सब अपनी आंखों से देखा है, प्रभु स्वयं तुम्हारी ओर से लड़ता था, ये सब बताते हुए उनको पहला प्रबोधन, पहला कार्य उनके सामने रखा हुआ है। वचन 6, तो मूसा की संहिता के ग्रंथों में लिखी हुई सारी बातों का सावधानी से पालन करने का दृढ़ संकल्प करो। टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू ओबे, उससे तुम ना बाएं भड़को ना दाहिने, ना इधर ना उधर, सीधा वचन बोलो, पहली बात। दूसरी बात वो यह है कि अन्य जातियों के साथ संबंध करने से, यानी जिस देश पर प्रभु हमको लेके आया, इस देश में कुछ जाति रहते थे, उनको पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए प्रभु आदेश दिया, यदि आप वो बातें छोड़ देंगे तो यहाँ रहने वाले लोगों के साथ संधि करेंगे या विवाह संबंध करेंगे, उनसे मिलते जुलते रहेंगे,
तो इसका असर इसराइलियों पर किस तरह आएंगे, इसके बारे में एक शिक्षा दे रहे, उपदेश दे रहे हैं। यानी आप उन लोगों को यदि शादी ब्याह करके अपने साथ एक होने देंगे तो इन लोग क्या होगा। बाइबल कहता है, योशुआ इसराइलियों से कहते हैं, वे लोग तुम्हारे लिए एक फंदा और जाल बनेंगे, वे तुम्हारी पसलियों के लिए कोड़ों जैसे, तुम्हारी आंखों के लिए कांटों जैसे बनेंगे। इस तरह इसराइलियों पर विपत्ति आएगी। इसलिए किस तरह की विपत्ति, अपने धर्म छोड़कर अन्य लोगों को शादी विवाह में आप लेके आएंगे, अपनी बेटियों को उनको देंगे और उनके बेटे उनके बेटियों को अपने बेटे के लिए अगर शादी विवाह के लिए आप ले लेंगे, उससे होने वाली विपत्ति के बारे में एक और शिक्षा दिया। और अंत में चेतावनी जो है, चेतावनी के रूप में ये दे रहे हैं, ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता दोनों तरफ चलेगा। यानी ईश्वर ने अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण आपको जिन जिन मंगलमय वायदाएं प्रभु ने दी थी, ऑल द गुड प्रोमिसेस, उसने पूरा किया। लेकिन उसी तरह जिन विपत्तियों का विवरण भी प्रभु ने सुनाया था, चेतावनी दी थी, यदि आप कहना नहीं मानेंगे तो प्रभु सत्य प्रतिज्ञ होने के कारण वो विपत्ति भी जरूर आपके ऊपर आ जाएगी। क्योंकि वचन कहता है, उसने कहा, वचन 15 में, प्रभु तुम्हारे ईश्वर द्वारा तुम्हें दी गई प्रत्येक मंगलमय प्रतिज्ञा पूरी हुई है, वैसे ही प्रभु ने जिन जिन विपत्तियों की धमकी दी है वह उन्हें तुम पर ढाहेगा और उस रमणीय देश से तुम्हारा विनाश करेगा जिसे उसने तुमको दिया है। इसलिए जिस तरह आशीर्वाद आई है उसी तरह पनिशमेंट यानी सजा विपत्ति भी आ सकती है यदि कहना नहीं मानेगी। इस तरह तीन कार्य इसराइलियों को समझाते हुए योशुआ विदा लेने को सोच रहे हैं। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संज्ञा 63 पे जरा मनन करेंगे। इस स्तोत्र की विशेषता यह है, दाऊद जब यहूदा के उजाड़ खंड में फंस गया था, शत्रु पीछा कर रहा था, उजाड़ खंड में उसने प्रभु के दर्शनों के लिए ललायत रहा। जैसे पानी पीने को जब नहीं मिलता है, शरीर कितना तकलीफ में आ जाती है, कितना प्यास शरीर पे हमको लगता है, उससे ज्यादा प्यास प्रभु के लिए वो प्रकट करता है। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूं, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। इतना महत्वपूर्ण था ये स्तोत्र कि संत योहन क्रिसोस्तोम हमको बताते हैं, आदिम कलीसिया में एक नियम था उनके बीच में। वो नियम यही था, ऐसा एक भी दिन ना बिताए, एक भी दिन ना बीते जबकि आप इस स्तोत्र को जोर से गाया ना हो। यानी एक साथ कलीसिया में हो या परिवार में हो, ये स्तोत्र को पब्लिकली गाना चाहिए। देर शुड नॉट बी अ सिंगल डे विदाउट विदाउट सिंगिंग द सैम इन पब्लिक। इसका मतलब विश्वासी लोग कलीसिया में इस स्तोत्र को इतना महत्व दिया था कि एक दिन भी इसको गाए बगैर बीतने नहीं देता था। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है। मुख्य रूप से तीन बातें, पहले प्रकट करता है प्रभु के लिए एक आत्मा की चाहत, किस तरह ललायत रहते हैं प्रभु के दर्शनों के लिए, किस तरह तरसते हैं, इसका प्रकटन है। दूसरी बात कि प्रभु का प्रेम, यहां पर ट्रांसलेशन में सत्य प्रतिज्ञता, बट हिज स्टेडफास्ट लव प्राणों से भी अधिक प्यारी है, लिखा है वचन 4 में। पहली बार बाइबल में, पुराने विधान में सबसे पहली बार हम देख रहे हैं किसी एक चीज को जीवन से भी, प्राण से भी महत्व दिया है। फर्स्ट टाइम देखते हैं जीवन से महत्वपूर्ण कोई चीज को पहली बार, वो क्या है? ईश्वर का प्रेम।
हालेलुया। इसलिए प्रभु का प्यार जीवन से भी महत्वपूर्ण है, प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसलिए ईश्वर के प्यार का विशेषण और उसके महत्व को दर्शाता है यहाँ पर। उसके बाद प्रभु पर एक भरोसा, एक भरोसा, वो भरोसा हमें बहुत आनंद देते हैं, वो आनंद हमें आराधना पे ले चलते हैं। ऐसी एक भरोसा के विषय में हमको बताते, प्रभु पे भरोसा, आशा, आनंदित बनाए रखेंगी, ये आनंद हमें स्तुति में स्तुति करने के लिए उत्तेजित करेगी। हमेशा ऐसा है, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, वचन कहता है। ये आनंद है तो हम लोग ऑटोमेटिकली स्तुति करेंगे, क्योंकि स्तुति आनंद का प्रकटन है। जिसके हृदय में आनंद नहीं है स्तुति नहीं कर सकता। इसलिए इसके सुंदर चित्र हम इस स्तोत्र में देखते हैं। ये स्तोत्र पढ़ते समय प्रभु के प्रति हमारे हृदय में आग्रह और प्यास बढ़ते जाए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस बार हम इसका बहुत लंबे व्याख्या इस पर नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमको अगले बार जब प्रेरित चरित्र में आएंगे, प्रेरित चरित्र को बहुत अच्छा से हमें सीखना होगा। यहाँ पर क्या है, 16वां अध्याय में पौलुस के द्वितीय प्रेरितिक यात्रा यानी सेकंड मिशनरी जर्नी ये यहाँ पर हो रहे हैं, उसका विवरण है। वास्तव में पहला पिछले अध्याय में 15वां अध्याय के 40वां वचन में ये सफ़र शुरू करते हुए पौलुस और सीलस मिलकर शुरू करते हुए हम देख रहे हैं, और किस तरह पवित्र आत्मा इनको मदद कर रहे हैं, कहाँ जाना है बता रहे हैं। पहले एशिया जाना चाहा, वहाँ पर नहीं भेजा, उसके बाद फ्रूगिया तथा गलातिया का दौरा किया, उसके बाद बिथुनिया जाना चाहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने इनकार किया, और इसलिए वे मुसिया पार कर त्रोवास पहुँचे। त्रोवास में रहते समय उनको एक दर्शन में एक आदमी, मकेदुनिया का आदमी आकर संत पौलुस को बता रहे, हमारे पास आइए, समुद्र पार कर हमारे पास आइए। इस दर्शन के बाद हमने ये समझ कर तुरंत मकेदुनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहाँ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। इस तरह वे मकेदुनिया चले गए ग्रीस में। वहाँ पर फिलिप्पी करके एक शहर है, वहाँ पहुँच गया, वहाँ सुसमाचार सुनाना शुरू किया। तो वहाँ पर कितने तकलीफ का अनुभव करना पड़ा। फिलिप्पी में वचन सुनाना शुरू किया, तब हम देखते हैं एक भविष्यवक्ता अबतूत के वश में रही एक लड़की को किस तरह संत पौलुस ने चंगा किया। तो भविष्य बताती थी वो स्त्री, उसके अंदर एक दुष्टात्मा रहता था, वो दुष्टात्मा भविष्य बता। इसलिए कोई भी जब हमारा कुछ भविष्य बोलेगा, वो सब प्रभु से है सोचकर उनका आदर करना नहीं है, क्योंकि भविष्य बताने वाला दुष्टात्मा भी है, सब कुछ ईश्वर से नहीं होगा। इसलिए कई लोग जाकर भविष्य बताते, कई लोगों के पास जाते, हमें सावधान रहना, यानी वृक्ष को फल से पहचानना है, उस व्यक्ति पे पवित्र आत्मा का फल दिखाई देता है, ये सब देखना। केवल चंगाई की कृपा या भविष्य बताने की बात है, वो सब फल नहीं है। पवित्र आत्मा का फल क्या है हम जानते हैं, गलातियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, ये सब है, आप पढ़कर देखना। कैसे भी हो, उस स्त्री से दुष्टात्मा को जब बाहर निकाला, भविष्य बोलने का उनकी शक्ति, भविष्य बोलने की उनकी शक्ति चली गई, वो नहीं बता पाए, और उसके बाद फिर कितना सहना पड़ रहे हैं हम देखते हैं। उनको कोड़े न्यायकर्ताओं ने उनके कपड़े उतरवाए और कोड़े लगाने का आदेश दिया। पौलुस और सीलस को वे खूब पिटवाया। कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर बंदी गृह में डलवा दिया। लेकिन उस बंदी गृह में कैसे वो प्रार्थना गीत गा रहे थे, आधी रात को, 25वां वचन, आधी रात के समय पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए स्तुति कर रहे थे, कैदी उन्हें सुनी रहे थे। तब कैसे चमत्कार होते हुए प्रभु उनको बाहर लेके आ रहे हैं। लेकिन प्रियजनों, उस कारागृह में रहते हुए खूब आराधना करते वक्त प्रभु की इस चमत्कार के द्वारा
वो कारापाल और उनका पूरा परिवार प्रभु में आ गया, विश्वास किया। इसलिए अंधकार में मैं तुमको खजाना दूंगा। हम सोचेंगे पवित्र आत्मा इनको लेकर चले हैं तो किस तरह इनके ऊपर विपत्ति आई है, लेकिन जब विपत्ति आई, पिटाई की, नंगे किए गए, सरेआम खींच कर लेके गए, पूरे बाजारों से इनको खींचा गया, इन्होंने कोई भी शिकायत नहीं किया बल्कि धन्यवाद केवल गाया। प्रभु हमने आपके वचन का प्रचार किया, आपके कहने से हम यहाँ पर आए, हमको इतना तकलीफ क्यों मिल रहे हैं कभी नहीं पूछा, बल्कि वे स्तुति किया, लोगों के सामने साक्षी दिया। कैसे पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए स्तुति गा रहे थे, कैदी उन्हें सुन रहे थे। पिठाई खाने के बाद जब स्तुति करते हैं तब लोगों के सामने साक्षी है, यानी कितना भी तकलीफ हो, हमारे आनंद को कोई भी छीन, हमारी शांति को कोई छीन नहीं पाए। कारागृह, अंधकार, पिठाई, नंगापन और इनके पैर में वचन में लिखा है कि उनके पैर खाट में जकड़ दिए गए थे। इसलिए कोई भी परेशानी इनके आनंद और शांति को छीन नहीं पाए। ये प्रभु में आनंद मना के आराधना करते समय प्रभु इनको बड़े चमत्कार के चमत्कारिक रीति से छुड़ाया। ना केवल ऐसे छुड़ाए बल्कि उनके कारापाल को विश्वास की कृपा दिलाए। जब कारापाल, कारागृह के अधिकारी स्वयं ईसाई बन गए, मसीही बन गए, तब बाकी कितने लोगों को वो लाए, उनका परिवार, पूरा परिवार आया। उसके बाद अनेक लोगों को, क्योंकि अधिकारी होने के कारण बाकी अनेक लोगों को आसानी से ला सकते। इस तरह फिलिपी में कलीसिया बढ़ती गई। उसके लिए फौलोस और जीलस को अंधकार में उतरना पड़ा। संदेश क्या मिलता है? हमारे जीवन के हर एक अंधकार में प्रभु खजाना छिपा कर रखा है। यदि आत्माओं को बचाना चाहते हो, प्रभु की सेवा करना चाहते हो, क्रूस उठाना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम प्रभु से सुनते हैं, यदि मेरा शिष्य बनना चाहते हो, अपने को त्यागो, प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ जाओ, संदेश ही है, क्रूस पे ही मुक्ति है, क्रूस पे ही दूसरों को बचाने की शक्ति और क्षमता है। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से, क्रूस उठाने की हिम्मत से, धैर्य से भर दे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।